तो फिर हमें अपने साथ मर्ज होने की परमिशन ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, some companies may have their core cells which concentrate on merger and acquisition. Merger and acquisition sessions are revised regarding the policy of the organization. Organization की पॉलिसी के साथ चलती है। Some may prefer to diversify or to expand in a specific field of business. ठीक है, आप diversify कर सकते हैं या expand कर सकते हैं अपने business field में इनको। While some others may wish to send their research as a placeholder. ठीक है, कुछ business ऐसे होते हैं जो अपने business को diversify करने के लिए, मतलब different करने के लिए या फिर expand करने के लिए strategy को इसको use करते हैं, merger acquisition को। कुछ पॉलिसीज है हमारे पास जो मर्जर एक्विजिशन करते हैं हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। तो कि हम कंपनी को मर्ज करें या ना करें, एक्वायर करें, ठीक है, दोनों में से कौन सी पॉलिसी या कौन सी स्ट्रेटजी आपको फिट बैठेगी, ठीक है। तो कुछ चीजें हम लोग देखते हैं इसमें, देखें मर्जर एक्विजिशन स्ट्रेटजीज में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी डिफर करेगी ओवर देयर and also depend a lot on the policy of the prospective organization. आपकी policy पर भी depend करेगी, ठीक है। However, merger and acquisition strategy have more some distinct process, एक अलग ही process है, based on which strategy are divided, divide, ठीक है, जिसके बेस पर आप strategy को क्या कर सकते हैं बेटा, divide कर सकते हैं, ठीक है। The first है determine the business plan driver. तो जो हमारे business plan driver है उनको हमें determine करना पड़ेगा कि वो उस वाले बिजनेस में कितना आपको पार्ट दे को, मतलब कितना सक्सेसफुली आपको डील कर पाएंगे। मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रेटजी आर डिडक्टेड फ्रॉम द स्ट्रेटजी बिजनेस प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों चीजें अलग है बेटा, आपका स्ट्रेटजी जो बिजनेस का प्लान है या एक्वायरिंग मर्जर की जो स्ट्रेटजी है, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। सो इन मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रेटजी यू फर्स्टली नीड टू फाइंड आउट द वे टू असिमिलेट योर स्ट्रेटजी बिजनेस प्लान थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है। तो आपको फर्स्टली ये निकालना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा रास्ता कि तुम किस तरह से स्टाफ सेटिंग लगाकर अपने प्लान को आगे बढ़ा सकते हो, मतलब मर्जर की तरफ मूव कर सकते हो। यू नीड टू ट्रांसफॉर्म द स्ट्रेटजी बिजनेस प्लान ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ सेट ऑफ ड्राइवर्स व्हिच योर मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रेटजी वुड एड्रेस, ठीक है। तो एक ड्राइवर की तरह आपको काम कराना है कि हम इस रास्ते पर इस मतलब इस वे में काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ड्राइवर आपको फिट करने हैं, मतलब उसमें कि आपको उसकी मर्जर और एक्विजिशन की तरफ इजीली मूव कर पाओ। व्हाइल टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटजी, जब हम स्ट्रेटजी बनाने की बात करते हैं, यू नीड टू कंसीडर द पॉइंट्स लाइक द मार्केट्स ऑफ योर इंटेंडेड बिजनेस, ठीक है। तो आपको अपने बिजनेस के मार्केट के पॉइंट्स भी देखने पड़ेंगे। द मार्केट शेयर दैट यू आर आइंग फॉर ईच मार्केट, जितने भी मार्केट शेयर आप देख पा रहे हैं अपने मार्केट में, ठीक है। द प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट यू रिक्वायर, जितने भी प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी आपको रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजें भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। द ग्राफिक लोकेशन वेयर यू वुड ऑपरेट योर बिजनेस, इन ग्राफिक लोकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। द स्किल्स एंड रिसोर्सेज दैट यू वुड रिक्वायर, ठीक है, जितने भी स्किल्स एंड रिसोर्सेज की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। The financial targets और financial targets भी आपको set करने पड़ेंगे, क्योंकि merger और acquiring में आपको बहुत सारी financial expenses आएंगी, as the risk amount etc. और एक risk भी होगा, ठीक है। अगर मैं tire बनाने वाली company की बात कर रही थी, तो वो bulk में सिर्फ tire नहीं बना रही है, अगर हम उसे acquire कर लेंगे तो बेटा क्या इतने tire हमारी गाड़ियों में, जितने वो company tire बना रही है, सारे tire तो हमारी company के लिए बनाने हैं, नहीं ना, और जगह वो बिक रहे हो, ठीक है। तो अगर हम उसे एक्वायर कर लेते हैं, अगर अपने उसमें मर्ज कर लेते हैं, तो बेटा इतना बुल्क में टायर तो हम करेंगे क्या, फिर हमें वो टायर भी डीजल पे डालने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बेटा, तो हमें आगे कंसीडर करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है आपका
कॉन्स्टेंट्स हैं उनको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा एक्वायरिंग से पहले. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट इफ देयर आर एनी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट फॉर सपोर्टिंग द एक्विजिशन. ठीक है, ये कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं आएगी एक्विजिशन के टाइम पर जब तक हमारा फाइनेंशियली खर्चा होगा. फंड्स फॉर एक्विजिशन मे कम थ्रू वेरियस वेज लाइक कैसे हिसाब से अपना फंड कैश हो सकता है, डेट्स हो सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट इक्विटीज हो सकती हैं, पीआईपीज हो सकती हैं, माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स आपकी हो सकती हैं, अनर्स हो सकते हैं आपके जो कंपनी अर्न कर रही है उससे भी फाइनेंशियल आप ले सकते हैं, ले सकते हैं. यू नीड टू कंसीडर ऑफ टू फैक्ट्स. तो कुछ फैक्ट्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे लाइक द अवेलेबिलिटी ऑफ अनटैप्ड क्रेडिट फैसिलिटी, सरप्लस कैश, अनटैप्ड इक्विटी एंड अमाउंट ऑफ न्यू इक्विटी, न्यू डेट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज. ये सब चीजें आप रेज करके फंड रेज कर सकते हैं. यू कैन आल्सो नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स दैट मस्ट अचीव. ठीक है, और वो अमाउंट ऑफ रिटर्न भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट भी एक तरह के आपके है ना, तो अमाउंट ऑफ रिटर्न्स भी आपको देखने पड़ेंगे. ठीक है, कि हम लगा तो रहे हैं इतना, ठीक है, लगाने से पहले जब तक हम रेट ऑफ अमाउंट ऑफ रिटर्न नहीं देखते बेटा तब तक हम क्या करते हैं बेटा उसमें पैसे नहीं लगाते. नेक्स्ट है डेवलप एक्विजिशन कैंडिडेट्स. आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी. तो देखिए ना, आपको हैव टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कंपनीज प्राइवेट और पब्लिक. अब आपको क्या करना है, एक कैंडिडेट लिस्ट बनानी, मतलब जितने जो आप चाहते हैं कंपनी एक्वायर करना. ऐसे तो नहीं है एक ही कंपनी के ऊपर आप आपकी कि हाँ ये वाली कंपनी हम एक्वायर कर सकते हैं. अगर आप जब एक्वायर करना चाहते हैं तो आप सोचते हैं प्रोडक्ट वाइज. ठीक है, तो प्रोडक्ट वाइज जब आप सोच रहे हैं कि आपको एक्वायर करना है तो बेटा ये देखो तुम प्रोडक्ट वाइज एक ही कंपनी तो वो प्रोडक्ट बना रही हो, बहुत सारी कंपनी ऐसे होंगी जो उस प्रोडक्ट में डील कर रही होगी. तो आप देखेंगे कि आप ऑप्शन रखेंगे कि ये कंपनीज हैं जिन्हें हम हायर कर सकते हैं. ठीक है, तो वो क्या कौन है बेटा आपके लिए कैंडिडेट्स हैं. ठीक है, तो वही कैंडिडेट लिस्ट बना दिया आपने. उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसे चूज कर सकते हैं. ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स एंड अटॉर्नी जो हैं आपके उनके थ्रू कर सकते हैं, एंड इवन रिकमेंडेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर्स और आपके एम्प्लॉयर्स भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं. ओके, यू आल्सो नीड टू डेवलप समरी प्रोफाइल फॉर एवरी कंपनी. ठीक है, और आपको समरी प्रोफाइल हर कंपनी को बनानी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी कितने प्रॉफिट है कितने लॉस में डील कर रही है, so that in future you should not face that problem too. Okay, next step is primary evaluation model. ठीक है, तो primary evaluation model आपको बनाना पड़ेगा कि आप सब चीजें अपनी returns भी profits भी है ना और अपनी investments भी सब चीजें आप क्या करेंगे ना अपनी evaluate कर लें. Okay, this stage is to calculate the initial investment acquisition cost, the estimates returns etc. ठीक है, तो आप ये सब चीजें एस्टिमेट कर लेंगे इसमें. मैंने ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग प्रीलिमिनरी वैल्यूएशन. हर ऑर्गेनाइजेशन का या ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का पहले से ही एक अपना फॉर्मेट सेट होता है. ठीक है, जिसमें वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर की या फिर एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं वैल्यूएशन की. नेक्स्ट है रैंक एंड ग्रेड एक्विजिशन कैंडिडेट. ग्रेड एंड रैंक एक्विजिशन कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपैक्ट ऑन बिजनेस एंड of closing the deal, the process will help you in understanding the relative impact of the acquisition. ठीक है, अगर आप इस process के साथ जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि आपके business पे इस acquisition का क्या impact आने वाला है. Okay, review and approve the strategy. ठीक है, आप एक बार ये review करेंगे और फिर उससे strategy को approve करेंगे. Review करेंगे आप सब चीजें जब आप fix कर लेंगे, रिटर्न वगैरह देख लेंगे, फिर कैंडिडेट देख लेंगे, एक बार रिव्यू देख लेंगे. ठीक है, फिर आप क्या करेंगे बेटा उसे स्ट्रेटेजी को अप्रूव करेंगे कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है. ठीक है, या किस हिसाब से काम करना है. दिस इज अ टाइम टू रिव्यू इन अप्रोप्रियर मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रेटेजी. यू नीड टू फाइंड आउट द वेदर द ऑल द
और आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स की या फिर इन्वेस्टर्स की, ठीक है, उनकी कंसेंट लेंगे कि वो अग्री हैं या फिर नहीं है, ठीक है। If everyone gives their nods on the strategy, you can go ahead and sign with the merger or acquisition. अगर सब अपने approval दे चुके हैं और किसी को उसमें कोई भी problem नहीं है, तो आप merger और acquisition की तरह कर सकते हैं। इतना कुछ topic नहीं है, चाहे कुछ topic ठीक है, सिर्फ एक merger और acquisition पे आपको जो भी question आएगा वो आपको, तो ये सब चीजें आप देख लेना, ठीक है। जितने भी process है इसको आप जरूर जरूरत लिखना पड़ेगा, तो सारी चीजें आप अपना करेंगे, मगर कर लीजिएगा, ओके। तो स्टार्टिंग में सो